कैसे हैं दोस्तों आप सभी को कल का वीडियो आपके सामने देखा होगा कि हमने कल एक नया टॉपिक समांतर श्रेणी कक्षा 10वीं के चैप्टर 5 में जो समांतर श्रेणी है उस पर हमने चर्चा किया था। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले मैंने आपको श्रेणी के बारे में बताया था, सीक्वेंस के बारे में बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस संख्याओं का संग्रह जो एक नियम के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन समांतर श्रेणी में क्या होता है? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाने पर बराबर बराबर मान मिलता है, तो उस प्रकार के श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और प्राप्त बराबर मान को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। और इसमें जो पहले पद को हम प्रथम पद कहते हैं, जिसको स्मॉल एस रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एनवा पद का जो सूत्र होता है, टी इज इक्वल टू ए प्लस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो ये एंथ टर्म तक मैंने आप सबको बताया था। उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे। आइए हम कुछ उसी पे आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई एनवा पद का जो सूत्र होता है वो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये एंथ टर्म का फार्मूला है। और दूसरा मैंने बताया था कि ए जो होता है वो क्या होता है? प्रथम पद। डी के बारे में मैंने बताया था सार्वंतर। और एन के बारे में बताया था मैंने कि पदों की संख्या, पदों की संख्या। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था कि ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी के आधार पर अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 5.1 के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कहता है कि यदि ए, देखिए समांतर श्रेणी को हम एपी कहेंगे, इसको याद रखिएगा। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में जब भी अब मैं लिखूंगा तो एपी के रूप में लिखूंगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी मतलब एपी के प्रथम चार पद लिखिए यदि ए इज इक्वल टू है 10 एंड डी इज इक्वल टू 10। अब यहां पे देखिएगा, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 है। ए और डी की वैल्यू आपको दे दिया गया है। और कहता है कि समांतर श्रेणी के चार पद क्या क्या होंगे, प्रथम चार पद वो हम आपको बताना है। तो प्रथम चार पद बताने के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम जानते हैं वो है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो हमको चार पद चाहिए। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। आपको ए पता है, डी पता है, बस वैल्यू पुट करना होता है। तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो, प्रथम पद ये 10 हो गया और दूसरा है क्या होगा 10 प्लस 10। नेक्स्ट क्या होगा 10 प्लस 2 इंटू 10। नेक्स्ट क्या होगा 10 प्लस 3 इंटू 10। फाइनली वी गेट 10 10 10 क्या होगा 20। ये क्या होगा 20 एंड 30। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये 40। तो इस प्रकार से प्रथम जो चार पद हैं वो क्या क्या हो जाएंगे 10 20 30 और 40। तो ये प्रथम जो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखे, यहाँ ए और डी की वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है। उसके आधार पर आप चौथा चार पद, पांच पद, 10 पद 20 पद, जितना पद आपको चाहिए आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो 10 20 30 40, इस प्रकार से ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 10 20 30 एंड 40। और निश्चित रूप से आप ये देख पा रहे हैं कि 10 में से 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा, 30 में 20 को घटाएंगे 10 मिलेगा, 40 में 30 को घटाएंगे 10 मिलेगा। और यही परिभाषा है समांतर श्रेणी का कि बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाते हैं तो हमको इक्वल इक्वल वैल्यू मिलता है। इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए वर्क है। क्वेश्चन क्या क्या है देखिएगा इसमें, कि अगर ए ए की वैल्यू -2 एंड डी की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू -3। तो इसमें भी आपको चार पद जो है समांतर श्रेणी के लिखने हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, एपी के प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको समांतर श्रेणी दिया रहेगा और उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद मतलब ए की वैल्यू निकालनी है और सार्व अंतर ज्ञात करनी है। तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, कहता है समांतर श्रेणी के प्रथम पद
वह सार्व अंतर ज्ञात करे। पहला क्वेश्चन है 3, 1, -1 एंड -3। दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7। तीसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। ये तीन क्वेश्चन है। इन तीन क्वेश्चन में आपको क्या क्या फाइंड आउट करने हैं? आपको फाइंड आउट करने हैं ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपका जो बेसिक है वो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू a, a+d, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना a, a+d, a+2d, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसमें जो पहला पद होगा, जो पहला स्टेप ही होगा, यही इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद a इज इक्वल टू यहां पर 3 हो गया। और d की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और बाद वाले पद को पहले वाले पद से माइनस करिए। तो जैसे d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। या आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं -1, -1, -2। आप चाहते हैं -3 तो इसको भी लिख सकते हैं आप -3, -1, दैट मीन्स -2। तो किसी भी परिस्थिति में आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि d की वैल्यू तो आपको वही मिल रहा है -2, -2, -2। इसका मतलब d की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -2। मैंने एक एग्जांपल के रूप में इसको लिया। तो इस प्रकार से आप a और d की वैल्यू आपको निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आप देखो a की वैल्यू हमको क्या मिला, -5। एंड डी की वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एट रैंडम दो एलिमेंट लीजिए, बाद वाले पहले वाले को, वही उसका क्या होगा, डी की वैल्यू होगा। तो यहां पर आप देखिए -1 + 5, ये क्या हो जाएगा आपका 4। या यू कहें 3 + 1, ये भी क्या होगा 4। या यू कहें 7 - 3, ये भी क्या होगा 4। तो हर परिस्थिति में आपको समांतर जो सार्व अंतर है वो क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। अर्थात इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वह a इक्वल टू -5 होगा और d जो होगा वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में और लिखा था उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह है 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में भी देखिए कि इसका प्रथम पद तो आपका 2 होगा और d निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/2 - 2, दूसरे पद से पहले पद को या तीसरे से दूसरे को आप माइनस करिए तो कितना होगा, 5 - 4/2, दैट मीन्स 1/2। इस प्रकार से a और d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो ये मैंने a और d की वैल्यू कैसे निकाला जाता है इस पे मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में हम a और d और सीक्वेंस के बारे में हमने बात किया, समांतर श्रेणी के बारे में हमने बात किया। तो ये दो क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में उसको आप सॉल्व करिएगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।